अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटाइजेशन किस तरह से परफॉर्म की जाती है, लेबलिंग किस तरह से करते हैं, और हाउ टू कन्वर्ट लेबलिंग इनटू एनोटेशन, और उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट शेप फाइल इनटू केएमएल। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटाइजेशन से। डिजिटाइजेशन मीन कि आपके पास कोई मैप है, फॉर एग्जांपल बेस मैप है, जैसे अभी मेरे सामने बेस मैप है, इसके ऊपर फीचर्स को ड्रॉ करना शेप फाइल्स में, ये डिजिटाइजेशन में आ जाता है। लाइन रोड है तो उसे लाइन से ड्रॉ करना, और अगर कोई एरिया है तो उसे पॉलीगॉन से ड्रॉ करना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसी मैप को डिजिटाइज करेंगे जिसको हमने जियो रेफरेंस किया था। तो अभी ये मैप जियो रेफरेंस है इस वक्त, अगर बेस मैप इस पर लगा के देखें तो एक्यूरेट अपनी जगह पर है, और इस पर डिजिटाइजेशन परफॉर्म करनी है अगर हमें, तो इसकी बाउंड्रीज़ को डिजिटाइज़ करेंगे, इसके रोड को डिजिटाइज़ करेंगे, और ज़्यादा अगर करना है तो इसकी पाइपलाइंस को भी डिजिटाइज़ कर सकते हैं हम। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी बाउंड्री को डिजिटाइज़ करेंगे, न्यू शेप फाइल बनेगी, बाउंड्री सिटी पॉलीगॉन कोऑर्डिनेट विल बी WGS 1984 एंड ओके, स्टार्ट एडिटिंग, क्रिएट फीचर, सिलेक्ट योर फीचर, और यहां से पॉलीगन स्टार्ट कर दे। और डबल क्लिक करने पर आपकी ये बाउंड्री जो है इधर मार्क हो जाएगी। सिंपल स्टॉप एडिट करें, सेव करें, और इस वक्त आपके पास जो एरिया है वो डिजिटाइज हो चुका होगा। सेम अगर आपने ये जो डंपिंग साइट्स एंड डिस्पोजल साइट्स, इनको भी डिजिटाइज करना है, तो एक और शेप फाइल बनेगी और डेट विल बी डिस्पोजिबल्स, इट विल बी पॉइंट WGS 1984 ओके, और स्टार्ट एडिटिंग, क्रिएट फीचर, और पॉइंट को सिलेक्ट कर आप यहाँ पॉइंट मार्क करते जाएं, जस्ट लाइक दिस ओके। तो वंस इट्स डन, ये इस तरह से लगेगा जब ये हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आप अगर और डिजिटाइजेशन चाहते हैं तो आप उनको भी डिजिटाइज कर सकते हैं पाइपलाइन को, जैसे मेरे पास इस वक्त बैड लाइन जो पाइपलाइंस हैं वो रेडिश कलर में है, जस्ट लाइक दिस, और गुड कंडीशन पाइपलाइन जस्ट लाइक दिस, इनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट विल बी येलो जस्ट लाइक दिस, और आप यहाँ से इनके डिस्पोजिबल्स को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, ये सब डिजिटाइजेशन में आ जाता है। और बिल्कुल दिस वन दिस वन ओके। तो ये डिस्पोजल साइट्स हैं, इनके इसके साइज को यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो और यहाँ अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट पाइपलाइन की अलग से शेप फाइल है, बैड कंडीशन पाइपलाइन की अलग से शेप फाइल है, और गुड कंडीशन की अलग से शेप फाइल है। आप खुद डिजिटाइज करें, कोई भी मैप, ओल्ड मैप पकड़ लें, उसको जियो रेफरेंस करें, या बेस मैप पर जियो रेफरेंसिंग इस तरह से परफॉर्म करें, तो इस तरह से दिखेगा। और अगर यहाँ पर इमेज लगाई जाए तो जस्ट लाइक दिस। ओके, ये बता रहा है कि गुजरांवाला का जो सीवेज सिस्टम है वहाँ पर जो ब्लू लाइंस हैं वो ये बता रही हैं कि उनकी कंडीशन ठीक है, और जो रेड लाइंस हैं वो ये बता रही हैं कि उनकी कंडीशन पुअर है, और जो येलो है वो सेटिस्फैक्ट्री के ज़ुमरे में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लेबलिंग का, कि किस तरह से आप लेबल करवाते हैं चीज़ों को। मैं यहाँ पर डिस्पोजिबल जो हैं उनको लेबल करवाना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, लेबल में आएंगे, लेबल फीचर्स लेयर,
और यहाँ पर मैं डिस्पोजल्स को इसीलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो डिस्पोजल जिस एरिया के हैं वो डिस्पोजल्स की फील्ड में है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में डिस्पोजल्स पे आऊँगा, इसको सिलेक्ट दिस, इसको स्टाइल दे सकते हैं जस्ट लाइक दिस। लेबल फीचर चेक चेक मार्क ऑन करेंगे इसका और अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो ये आपने लेबलिंग किया, आप इसको वहाँ से साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये लेबलिंग सिंपल है कि आप यहाँ से भी लेबल ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से आप इन लेबलिंग को एनोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ जाना है कन्वर्ट लेबल टू एनोटेशंस और यहाँ से आपको इन दिस मैप और कन्वर्ट कर देना जस्ट लाइक दिस। अब अगर आप इस टूल की हेल्प लेते हैं सेलेक्ट एलिमेंट की, तो जस्ट इसको इस तरह से करें जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वक्त। और अगर इस पर बेस मैप लगा कर देखें तो ये कुछ इस तरह से है। जिस तरह से मर्जी खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, टूल्स हैं जैसे मर्जी इनके साथ आप खेल सकते हैं। तो जैसे मर्जी अपनी लेबलिंग को डिजिटाइज करवा कर आप एनोटेशन में कन्वर्ट करके अपनी मर्जी से उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं ज्योग्राफिकली। KML मीन के गूगल अर्थ प्रो पर अगर आप कोई डिजिटाइजेशन परफॉर्म करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गूगल अर्थ प्रो पे किस तरह से डिजिटाइजेशन करते हैं। तो गूगल अर्थ प्रो की जो फाइल है, जिस तरह से आर्क मैप की जो फाइल है वो SHP यानी शेप फाइल में सेव होती है, इसी तरह जो गूगल अर्थ प्रो की फाइल है वो KMZ में सेव होती है और उसको KML कहते हैं। तो अगर तो आप किसी शेप फाइल को जो कि आर्क मैप की SHP जिसकी एक्सटेंशन है, तो आप किसी शेप फाइल को अगर KML में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली गो हेयर राइट लेयर टू KML और यहाँ पर कोई भी आपने अगर शेप फाइल KML में कन्वर्ट करनी है, इन दिस केस मैं बैड कंडीशंस पाइपलाइन को KML में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको डेस्टिनेशन दूंगा और डेस्टिनेशन विल बी फाइनल बैड कंडीशन दिस और ओके। यहाँ पर ये आपकी हदायत जो है उस पर काम किया जा रहा है और ओके वंस इट्स डन आपको इस तरह का पॉपअप मिलेगा। 2000 years later अबे ये रहा, ये आपके पास इस तरह से फाइल आ जाएगी और इसको अगर ओपन करते हैं तो ये फाइल गूगल अर्थ प्रो पे ओपन होगी और अभी देखते हैं किस तरह से। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से ओके। तो आज का ये ट्यूटोरियल सिंपल डिजिटाइजेशन, लेबलिंग और हाउ टू कन्वर्ट लेबल टू एनोटेशंस और हाउ टू कन्वर्ट शेप फाइल टू KML। तो आई होप के आपको भी अब ये अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से आप बेस मैप पर भी चीज़ों को ड्रॉ करके डिजिटाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप ओल्ड इमेजेस पर डिजिटाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप फीचर्स को लेबल करवा सकते हैं और फिर उनको और अच्छे से लेबल करवाने के लिए किस तरह से उनको एनोटेशन में कन्वर्ट कर और अच्छे से लेबलिंग करवा सकते हैं, और किस तरह से आप किसी भी शेप फाइल को KML में कन्वर्ट करके इस तरह से रिप्रेजेंट, इस तरह से शो करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर तो आप ये देखना चाहते हैं कि इस मैप को किस तरह से हमने जियो रेफरेंस किया था,
तो उसके लिए आप यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।